सोलन जिला के बड़ोग में राज्य स्तरीय प्राकृतिक युवा किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से उन्होंने प्रदेश में किसानों बागवानों को जिस प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया था, उसका लाभ अब सभी महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के आदर्श के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती वास्तविक अर्थों में ईश्वर की पूजा है और रासायनिक खेती विनाश का प्रतिरूप है। गुजरात के राज्यपाल ने युवा किसानों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती के रूप में एक फसल के स्थान पर मिश्रित खेती को अपनाएं ताकि उनकी आय में आशातीत बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अतुलनीय पर्यावरण प्रदान किया है। यहाँ किसानों को सब्जी फल तथा तिलहन के उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। आचार्य देवव्रत से प्रभावित युवा किसान अनुभव बंसल ने इस मौके पर कहा कि वे हिमाचल के पूर्व राज्यपाल से बेहद प्रभावित हैं और वे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि वे अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आज व्यवसाय छोड़कर कृषि कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 बीघा जमीन पर खेती करना आरंभ किया था, आज वे 3 एकड़ पर हल्दी उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आचार्य देवव्रत द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां वे एक और सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, वहीं वे कृषक बनकर अपने पैरों पर खड़े होकर और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, फार्मिंग कभी की नहीं थी, तो फार्मिंग में आकर एक नया चैलेंज मिला। शुरुआत छोटे से करी, 2 बीघे से शुरुआत करी, अभी मैं 3 एकड़ में हल्दी उगा रहा हूँ। तो एक लंबा सफ़र है, एक धीमा सफ़र है, पेशेंस चाहिए इसके लिए आपको। सबसे पहले तो किसानी में मेहनत भी ज़्यादा है और आउटपुट्स बहुत मैटर करते हैं। राज्यपाल जी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक प्रेरणा का सूत्र हैं वो मेरे लिए शुरू से ही, उनकी मैंने किताबें भी पढ़ी हैं और आज के जो डिस्कशन हुआ उसमें काफ़ी किसान भाइयों ने फुकोकू जी का भी मेंशन किया, जापानीज एग्रीकल्चरिस्ट थे जो कि बहुत माने हुए एग्रीकल्चरिस्ट थे। एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा और हर बार जब भी राज्यपाल जी के सेशन में मुलाकात होती है उनसे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है उनसे, और उनसे डेटा भी आज मैं काफ़ी सीखने को मिला कि उनके फार्म में कैसे फार्मिंग कर रहे हैं और कितनी यील्ड ले रहे हैं। वो डेटा रखना जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, हम किसान भाई मिस कर जाते हैं। उनसे ये आग्रह भी है कि उन लोगों को डेटा भी रखना चाहिए कि इस साल इतनी इतनी खप इतनी आई मेरी खपत और इतने में सेलिंग हुई और इतना मेरा प्रोड्यूस आया, ताकि अगले सालों में हम कंपेयर कर पाएँ कि कितना प्रोड्यूस हमने एक्सपेक्ट करना है नेक्स्ट ईयर। तो ये आज एक निष्कर्ष निकला यहाँ आकर कि डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और लगे रहेंगे तो सभी के सभी एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे।